Hello students, today we are going to start a new chapter of plus one class, biological classification. Means huge variety of biodiversity need to classify in different categories. Different types of scientists start to divide this organism in different categories. Classification of organism is the scientific aspect on which the organisms can be classified in different category on the basis of similarities and dissimilarities. Means different huge variety of organism, it's need to classify these huge variety of organism in different categories on the basis of similarities and different similarities and dissimilarities. Many scientists try to classify these organisms. First of all, this classification of the organism goes to Aristotle, the first scientist who started the classification of the organisms on the basis of one or two properties. Those are सबसे पहले एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना शुरू किया. एरिस्टोटल ही स्टार्टिफाइड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म. ही क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज. उसने दो डिफरेंट कैटेगरीज बना दी. कौन कौन सी? एक तो प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया. प्लांट किंगडम एंड सेकेंड वन इज एनिमल किंगडम. First of all, Aristotle started to classify the organism into two different kingdom, plant kingdom and animal kingdom. Plant kingdom, he classified this plant kingdom on the three bases: herbs, shrubs and trees. He classified the plant kingdom into three different categories: herbs, ग्रासेस वगैरह, शर्ब्स थॉर्नी प्लांट, ट्री लार्ज प्लांट, जितने भी ट्री में चेंज होते हैं दो आर ट्रीज. ही क्लासीफाइड द प्लांट किंगडम इनटू थ्री डिफरेंट क्लासेस: हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. एंड एनिमल किंगडम, ही क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ आरबीसी, मीन्स रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है या नहीं है. उस बेस पर उसने एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. दो कौन से? एनाइमा and second one is enema. Enema means the organism which are without RBC. वो organism जिसमें RBC present नहीं होती. The organisms without RBC, जिनमें RBC present नहीं होती, उसने categorize किसमें कर दिया? Enema.
और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है उसमें कैटेगराइज कर दिया इनैमा. द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन आरबीसी. फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस्टोटल स्टार्टेड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू टू डिफरेंट किंगडम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. प्लांट किंगडम ही क्लासिफाई थ्री क्लासेस, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स स्मॉल प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स जितने होते हैं, ग्रासेस वगैरह हैं. एंड शर्ब्स थॉर्नी प्लांट्स, ट्रीज. एंड सेकंड वन एनिमल किंगडम, ही क्लासिफाई द एनिमल्स इनटू टू डिफरेंट बेसिस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट और नॉट. इफ दे आर प्रेजेंट दोज आर कॉल्ड इनेमा, एंड इफ आरबीसी इज एब्सेंट दोज एनिमल्स आर कॉल्ड इनेमा. बट इट इज नॉट ए सॉलिड स्पोर टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म. लेटर अनदर साइंटिस्ट है जिसका नाम है कार्लिनियस. लेटर लिनियस क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इन टू किंगडम्स, प्लांट किंगडम यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेम इसने भी दो ही किंगडम बनाई, प्लांट्स और एनिमल, लेकिन इसके क्लासिफाई करने के कुछ बेसिस थे वो डिफरेंट थे. ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी स्टिमुलाई की ओर रिस्पॉन्स जो शो करते हैं वो कैसा रिस्पॉन्स शो करते हैं. लेटर लिनियस आल्सो क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स. बट देयर आर सम अदर फीचर्स ऑन व्हिच ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, प्लांट्स एनिमल्स. दोज फीचर्स आर प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल और नॉट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. अब उसने किस प्रकार से कैटेगराइज किया, प्लांट्स एनिमल्स. नंबर वन सेल वॉल. सेल वॉल में प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. तो प्लांट्स कंटेन ए सेल वॉल, ए थिक सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो प्लांट्स में क्या शो कर दिया, प्रेजेंट, एनिमल्स अब्सेंट. सेकेंड वन लोकोमोशन, प्लांट्स डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट एनिमल मूव्स. तो प्लांट्स में क्या कर दिया, अब्सेंट, एनिमल्स में प्रेजेंट. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मींस न्यूट्रिशन गेन करने की प्रोसेस. प्लांट्स डू नॉट ईट फूड, एनिमल्स ईट फूड. तो इस बेस पे इसमें क्या किया, प्लांट्स डू नॉट ईट, एनिमल्स ईट फूड. नंबर फोर रिस्पॉन्स टू आवर्स स्टिमुलाई. मतलब किसी एक्सटर्नल स्टिमुली की ओर किसी प्रकार से रिस्पॉन्स शो करते हैं, नहीं करते. प्लांट शो करते हैं बट स्लो रेट से, एनिमल स्लो करते हैं फास्ट रेट से. स्लो एनिमल्स, फास्ट. नेक्स्ट वन इज
contractile vacuoles. Contractile vacuoles. प्लांट्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा वेस्ट सब्सटेंस को भी रिमूव कर देते, जैसे अमीबा के अंदर आया था, तो अब्सेंट एनिमल्स में प्रेजेंट. कार्लिनियस आल्सो क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स. टू किंगडम्स ही थी, जस्ट लाइक एज दो किंगडम ही एरिस्टोटल ने बनाई, दो ही किंगडम लिनियस ने बनाई. एरिस्टोटल का डिवीजन करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था. उसने प्लांट्स एनिमल को, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज के अंदर. एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिया अनेमा और इनेमा, यानी प्रेजेंट ऑफ, प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ आरबीसी. इसी प्रकार लिनियस ने भी दो ही कैटेगरी बनाई प्लांट्स और एनिमल की. वो कुछ फीचर्स ये थे जिनमें उसने इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर दिया. बट आफ्टर दैट देयर इज नो क्लियरिटी which organisms are unicellular or multicellular, eukaryotic or prokaryotic, as well as those are photosynthetic or heterotrophic. After the classification of Linnaeus, after the classification of Linnaeus, it was no clarity which organisms are unicellular or multicellular. फर्स्ट वन. सेकंड क्या? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मींस फोटोसिंथेटिक ग्रीन है, और हेटेरोट्रॉपिक मींस दूसरों से फूड गेन करते हैं. एंड प्रोकैरियोट और यूकैरियोट means उन organism में nucleic membrane present है या नहीं है. After the classification of the Linnaeus, there is no surety. There was no surety the animals are unicellular or multicellular, photosynthetic or non-green means heterotrophic, and third one is prokaryotic or eukaryotic. So another scientist start to classify the organism in three kingdoms. That is Ernest Haeckel. After that, Haeckel classified the organisms in three kingdom, और वो third kingdom क्या थी? Protista. Those are Protista, plant or animal kingdom. Means दो kingdom तो वही plant और animal. Third one क्या उसमें add कर दी? Protista. Protista means वो organism जो eukaryotic हैं, unicellular हैं और maximum aquatic हैं. Protista are aquatic, unicellular or eukaryotic, such as fungi, protozoa, bacteria or slime mold. But
अब यहां एक चीज तो क्लियर होगी कि यूनिसेलुलर भी पता लग गया, यूकैरियोटिक पता लग गया, एक्वाटिक भी, बट वी कांट डिफरेंशिएट द व्हिच वन आर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कौन है इसमें, इसके बाद भी क्लियर ना। इसके बाद फोर किंगडम कैटेगरीज डिवीजन हुआ, उस साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड। आफ्टर दैट कोपलैंड मेड द फोर किंगडम, और वो फोर्थ किंगडम कौन सी थी, मुनेरा, विच इंक्लूडेड मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। मीन्स मोनेरा को इसके साथ ऐड कर दिया गया। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, जस्ट लाइक एज साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा आर साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं, जो यू के यू बैक्टीरिया और आर की बैक्टीरिया। दस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यहां तक कितनी कैटेगरी बनी, फोर। फर्स्ट टू कैटेगरी एरिस्टोटल के द्वारा प्लांट एनिमल की, दो ही कैटेगरी लिनियस के द्वारा प्लांट एनिमल, लेकिन कुछ उनके फीचर्स अलग थे, बेसिस दो फीचर्स थे वो डिफरेंट थे। नेक्स्ट थर्ड वन साइंटिस्ट जो आया अर्नेस्ट हैकल, उसने थ्री थर्ड किंगडम बनाई, प्रोटिस्टा को साथ में जोड़ दिया कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, एक्वाटिक है, यूकैरियोटिक है, बट देयर इज नो क्लियरिटी व्हिच वन आर प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक इसमें जोड़ा, तो फोर्थ जो किंगडम बनाई वो किसने बनाई, कोपलैंड ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आफ्टर दैट 1967 नेक्स्ट अनदर साइंटिस्ट जिसका नाम था आर एच विटेकर, इन 1969 आर एच विटेकर प्रपोज्ड द ऑर्गेनिजम्स इन फाइव डिफरेंट कैटेगरीज। उसने फाइव किंगडम कैटेगरीज बनाई, किसने बताई, आर एच विटे करने का, वो 1969 के अंदर। लेकिन उसके कुछ फीचर्स थे, किस बेस पे, पहली बात तो पांचवी जो कैटेगरी बनाई क्या, चार तो थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमिलिया, फिफ्थ वन कैटेगरी वाज फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। These were five kingdom which were categorized by the R. H. Whittaker in 1969. But these five kingdom categories have different bases. इनके अलग अलग बेसिस थे, वो बेसिस क्या हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्लियर।